माय चैनल नैन्सीज़ डिलीशियस फूड। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है जैम रोल या स्वीट रोल इसको बोल सकते हैं। तो ऐसी इजी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप भी मुझे सपोर्ट करती रहिए। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड देखते रहिए मैं इसको कैसे इजीली प्रिपेयर करती। यहाँ पर मैंने जितना मैंने मैदा लिया है 3/4 कप जितना, उतना ही मैंने मिल्क ले लिया है 3/4 कप जितना, और उसको थोड़ा वार्म कर लिया है, गर्म कर लिया है। उसके बाद हमने पिसी हुई चीनी ली है 1/2 कप, एंड 1/4 कप हमने ऑयल लिया है, और बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा जाएगा तो 1/2 कप जितना, सॉरी हाफ स्पून जितना, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा एंड वनीला एसेंस। आपके पास अगर दूसरा कोई एसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें विनेगर चाहिए इसमें, एंड ये जो हमने नारियल का बुरादा लेके रखा है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ अब कैसे कैसे करना है आगे। हम क्या करेंगे, पहले 1 स्पून जितना ये जो हमने वार्म मिल्क लिया है उसमें 1 स्पून जितना हम इसमें विनेगर ऐड कर देंगे, और इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। हम पूरा नहीं फटेगा बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा तो फटेगा ही वो। ये हमने इसको ढक के रख दिया, एंड अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये मैंने वो ही टिन ले लिया है जिसमें मैं केक बनाऊंगी। अगर आपके पास स्क्वायर टिन है तो वही यूज़ करें, मस्ट है वो। मैंने साइड से इसको ग्रीस कर दिया है ऑयल से, और मैं उसी में टिन में मैं बना रही हूँ, मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगी उसी टिन में मैं। और तब तक जब तक हम ये बैटर रेडी करते हैं तब तक मैं गैस ऑन कर दूँगी। ये मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में पहले नीचे से मैंने सॉल्ट डाल दिया है और उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है, और उसके ऊपर हम ये टिन रख देंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं तो इसको हम, ये मिल्क भी हम देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसके लच्छे बन गए हैं, ऐसे सारा नहीं फटा है। तो मैंने इसमें 1/4 जितना हमें डालना था उतना हमने ऑयल ऐड कर दिया है, और ये मिल्क इसमें इन दोनों का पहले मिक्स करना है अच्छी तरह से, एक ही साइड से हमने मिक्स करेंगे इसको। 2 मिनट मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये छन्नी लेके इस पर रख देनी है, और ये जो हमने मैदा लिया है वो एकदम परफेक्ट, जो आप कोई भी कप ले रहे हैं, कोई भी कटोरी ले रहे हैं, मतलब मेजरिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है। और यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा इसमें ऐड करूँगी, और 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम फिर से इनको मिक्स करेंगे, थोड़ा स्मूथ बैटर बनाएंगे। इसको 2 मिनट के लिए एक ही साइड से घुमाना है, और हमने ये मिक्सचर रेडी कर दिया है। लास्ट में हम इसमें वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, और इसको फिर से मिक्स करते हुए ये देखिए ऐसा हमारा लिक्विडी एकदम बैटर बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको कुकर में ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ये प्री हीट होने रख दिया था, अब हम इसमें ये ऐड कर रख देंगे, और 20 मिनट्स तक इसको चेक नहीं करेंगे। पहले 2 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। 20 to 25 मिनट्स में बन के एकदम से रेडी हो जाएगा। 20 मिनट के बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ कैसे, और अभी हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे बेक होता है। तब तक हम क्या करेंगे, जो रोज़ हम मलाई निकाल के रखते हैं उसमें से मक्खन और घी निकालते हैं, तो वो मैंने मलाई ले ली है, और ये मालास का जो स्ट्रॉबेरी क्रश आता है वो हम इसमें यूज़ करेंगे।
ये देखिए मैंने निकाल के रखा है बाउल में। तो अब हम ये जो मलाई है उसको 2-3 स्पून जितना इसको ऐसे इसका जो दूध वाला पार्ट है वो नीचे जाना चाहिए एकदम फ्रेश क्रीम। अब हम घर में से क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें फ्रेश क्रीम जैसा बनाना है तो फ्रेश क्रीम की तरह हम इसको बनाएंगे। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम पड़ी है तो ये घर की मलाई यूज़ ना करें एंड घर की अगर ताज़ी मलाई हो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये इतनी हमारी ये देखिए इतनी हमारी निकली है तो इसको हम फेटेंगे एंड उसमें शुगर ऐड करेंगे और ये जो मक्खन निकल आया है तो वो हम घी बनाने के लिए यूज़ कर देंगे। ये मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं और हमको केक को गरम गरम करना है, उसको फोल्ड करना है। तो देखें केक अब रेडी हो गया है तो इसकी भी पहले प्रिपरेशन कर लें एंड उसके बाद मतलब केक को ये देखिए हमारा केक एकदम से बन के रेडी हो गया है बट इसको चेक तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा केक रेडी है बिल्कुल क्लीन आई है नाइफ। तो अब इसको भी बाहर ले लेंगे। अब जो ये हमने क्रीम बना ली है उसमें 1 स्पून जितना उसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसे फेटेंगे। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगी उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं, बना के रख दें फिर वेस्ट हो जाएगी। इसको हमने अच्छे से फेट लिया है शुगर पाउडर मिक्स करके और चाहे तो इसमें भर के इसमें और आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे ही उस पर लगा भी सकते हैं, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केक को 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, थोड़ा सा इसकी भाप निकल जाए, उसके बाद हम इसको इस टिन में से डीमोल्ड करके एंड जो ऊपर ये फूला हुआ पार्ट है इसको कट कर देंगे फिर हम रोल करेंगे। ये देखिए हमने केक को डीमोल्ड कर दिया है बट इतना फूला हुआ केक है तो इसको रोल तो नहीं कर सकते तो इसको एक ऐसे हाफ पीस में कट करना पड़ेगा। दिखाती हूँ आपको, केक को मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है। अब एक एक शीट ले ली है मैंने और नीचे से मैंने ये सेलो फॉइल ले लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो यूज़ करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। और ये एंड स्क्वायर मोल्ड है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, मतलब फोल्ड करने साइड्स कट नहीं होते तो स्क्वायर मोल्ड हो तो उसी में केक बेक करें। ये हमने स्ट्रॉबेरी का क्रश इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। पूरा साइड्स में भी लगना चाहिए, हमारा बहुत केक फूल गया था तो हम इसकी पतली शीट तो बनानी ही थी तो इस वजह से इसको 2 पार्ट में कट करना पड़ा। तो हम 2 ऐसे रोल बना लेंगे, इस पर हम ये अब क्रीम जो हमने शुगर डाल के फैट के रखी थी वो अब हम इसमें डाल देंगे फिर इसको रोल करते जाएंगे अच्छे से। अब ये हमारा लेयर ये भी रेडी हो गया है, अब हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड ऐसे ऐसे इसको उठाते जाएं एंड थोड़ा सा बीच में से लगेगा कि ब्रेक भी हो रहा है बट वो अच्छे से जम जाएगा तो इसको ज़्यादा ध्यान ना दें और इसको ऐसे उठाते जाएं, इसको ऐसे रोल 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 करते जाएं। इसे प्रेस करते जाएं, उसको रोल थोड़ा सा देखिए फटेगा भी बट उसको ध्यान नहीं देना है, वो अच्छी तरह से फ्रिज में सेट हो जाएगा। तो इसको ऐसे रोल करते जाना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रोल हो गया है हमारा। अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए 1-1.25 घंटे के लिए रख देंगे। तो साइड से भी मैंने इसको कवर कर दिया है, मैं इसको रोल को फ्रिज में सेट होने रख दूंगी। वैसे ही मेरी जो दूसरी शीट पड़ी है तो मैं उसको भी ऐसे रोल करके फ्रिज में सेट होने रख दूंगी। हमने 1-1.25 घंटे के बाद हमने इसमें 1 घंटे से ज़्यादा ही रखा है, मैं अब इसको फॉइल पेपर को रिमूव कर दूंगी और हमारा रोल सेट हो गया है एकदम
अच्छे से सेट हो गया है। अब ये देखिए इजीली निकल भी आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो स्ट्रॉबेरी का हमने ये क्रश लिया है वो उसके ऊपर स्प्रेड, ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे। अच्छे से डालें नहीं तो फीका फीका लगेगा। ऐसे इसको फोल्ड करते जाएं तो ये स्प्रेड होता जाएगा बिल्कुल। ये देखिए हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं है तो इसको जाम भी, इस पर जैम भी लगा सकते हैं। जो मिक्स फ्रूट जैम आता है तो वो भी आप इस पर थोड़ा सा उसको ऐसे क्रश करके फिर थोड़ा सा मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं है तो आपके पास, अब हम क्या करेंगे इस पर ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है, नारियल का पिसा हुआ चूरा, तो उसको ऐसे अच्छे से स्प्रेड करते जाएंगे। सभी साइड्स पे लगना चाहिए, कहीं भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इस पे यहाँ पे ये स्प्रेड नहीं है। इसको अच्छे से स्प्रेड करते जाएं, सभी जगह चिपकना चाहिए, ये ध्यान ज़रूर से रखें। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड्स है थोड़े थोड़े रिमूव कर देंगे, जैसे ये रोल अच्छे से लग दिखने दिखे, एकदम से धीरे धीरे से काटे ताकि ये खुले नहीं। देखिए ये हमारा पीस एकदम बन के रेडी हो गया है। उसको ऐसे ही कट करते जाएं सारे पीसेस को। इसको हम जाम रोल भी बोल सकते हैं। ये देखिए हमारे जैम रोल या स्वीस रोल भी बोल सकते हैं बनके एकदम से रेडी हो गए हैं। अगर आप भी ऐसी इजी इजी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।